सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली स्पेशली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और मेरे साथ कैसे खेल सकते हैं उसको। तो गाइस, वीडियो को अंत तक बने रहना ताकि आप डाउनलोड कर पाओ माइनक्राफ्ट फ्री में। तो सबसे पहले आपको कर लेना है ब्राउजर पर सर्च माइनक्राफ्ट। उसके बाद आपके पास जो पहला लिंक आएगा जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का होगा, उसी को आपको खोल लेना है। तो ये कोई मैं क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करना नहीं सिखा रहा, मैं ओरिजिनल माइनक्राफ्ट फ्री में कैसे कर सकते हैं उसको बता रहा हूँ। उसके बाद ऑफिशियल से आप देखते हो ऑफिशियल आईडी, इस पर ग्रीन कलर का जो ऑप्शन आ रहा है गेट माइनक्राफ्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और सिंपली आपसे पूछेगा कि आपको किस डिवाइस में चलाना है, क्योंकि माइनक्राफ्ट जो है फोन मोबाइल सब में चलता है। तो आपको सीधा कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है क्योंकि आप कंप्यूटर में चलाने वाले हो। उसे आपको देखना है पीसी, मैक या फिर लिनक्स, इसमें करना है तो आपको अपने करना है विंडोज़ के लिए। फिर आपको जावा एडिशन पूछ रहा है विंडोज़ 10, तो आपको करना है जावा पे क्लिक। मैं कर लेता हूँ जल्दी से जावा पे क्लिक। जैसे ही आप जावा पे क्लिक करोगे आपके पास एक और विंडोज़ खुल जाएगी जो कि ये कह रहा है कि आपको बाइक करना है माइनक्राफ्ट $26 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। तो आपको नहीं, आपको राइट पे जाना है और करना है डू इट अगेन पे क्लिक। और उसके बाद आपको जाना है सीधा क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, आपका माइनक्राफ्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको ना ये 2.5 MB की फाइल जो डाउनलोड होगी इसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो कुछ माइनक्राफ्ट लॉन्चर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। पर अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपका माइनक्राफ्ट जो है नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अभी तक इसका अकाउंट नहीं खरीदा है। अगर आपको इस तरीके से माइनक्राफ्ट चलाना है तो आपको उसका अकाउंट जो है खरीदना पड़ेगा, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और बिना अकाउंट खरीदे आप माइनक्राफ्ट नहीं चला सकते इस तरीके से, ठीक है। तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप माइनक्राफ्ट चला सकते हो। जल्दी से माइनक्राफ्ट को ऑन कर देते हैं। माइनक्राफ्ट ऑन करने के आपको पूछेगा ईमेल और पासवर्ड डालो। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो कि भैया हम बिना ईमेल और पासवर्ड डाले आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखा देता है। अब पहले मैं आपको वर्जन चेक करा देता हूँ। तो गाइस, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है होने वाला है, जैसे आप देखते हैं 1.16.1 वर्जन जो है, और यही माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन जो अभी आया है वही है। उसके बाद आपको करना है दोबारा से क्रोम ब्राउजर खोलना है, फिर कोई सा फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो खोलना है। उसे आपको यहाँ सर्च करना है टी लॉन्चर। तो गाइस, टी लॉन्चर डाउनलोड कर लेना है। उसके फर्स्ट जो आपका लिंक आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट का, उसे ही खोल लेना है। उसे खोलने के बाद आपके काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे ऊपर, टी लॉन्चर पी, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और जो डाउनलोड टी एल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको चूज करना है विंडोज़, जो कि चार खाने वाला आइकन है, इसको चार खाने वाला आइकन को क्लिक करोगे तो आपका विंडोज़ का जो ये मतलब टी एल लॉन्चर है डाउनलोड हो जाएगा। 16 MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। मैंने इसको पॉज कर दिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं टी लॉन्चर इसे आप डाउनलोड कर लोगे कुछ इस तरीके का, जैसा कि आपको मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा आइकन, इस तरीके का आइकन बन के आ जाएगा। सेम माइनक्राफ्ट जैसा आइकन है, बस लिखा है इस पर टी लॉन्चर है, ठीक है। तो आपको इसको ओपन कर लेना, मैं जैसे आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जब उसे ओपन करोगे कुछ ऐसा जैसे शेरिट में आता था, इसको इस तरीके का लोगो आपको देखने मिलेगा, शायद चाइनीज एप्लीकेशन हो सकती है। खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। इसके आपको ना लेफ्ट साइड में अपने अकाउंट का नाम, जो कि मैंने अपना डाल दिया शिखर 23, वो आपको डाल देना है। और उसके बाद ये आपसे जो भी पूछे उसको आपको यस कर देना है। तो आपके यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग नहीं हो रही, नहीं तो ये लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेगा अपने आपको, और यहाँ पे डाउनलोडिंग होगी। मैंने डाउनलोडेड ऑलरेडी, इसलिए मेरे में इनिशियलाइजेशन हो रही है, जो कि सिर्फ ये है कि भाई मेरी डाउनलोडिंग फाइल को चेक कर रहा है कि ये फाइल्स करेक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका इसके आपका एंटर द गेम पे क्लिक कर देना, तो मोजैंग सर्वर आपका लोड हो जाएगा, आपका गेम जो है ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको पहले सिंगल प्लेयर में जाकर दिखाता हूँ कि मल्टीप्लेयर में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट में करने के लिए अनगिनत चीज़ें हैं भाई, 6 महीने भी अच्छे से सीखते रहोगे तब भी पूरी चीज़ें नहीं डिस्कवर कर पाओगे। तो न्यू वर्ल्ड बना लेते हैं पहले सिंगल में। तो इसके अंदर मैं अपना नाम जाटलैंड रख लेता हूँ अपने एरिया, क्योंकि मैं जाट हूँ तो जाटों को तो ऐसा नाम पसंद है, जाटलैंड, जाट किंग, ऐसे नाम। तो मैंने नाम रख लिया जाटलैंड। आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना सर्वाइवल खेलना है, जिसमें आप जॉम्बी आएंगे मार सकते हैं आपको, या क्रिएटिव खेलना। क्रिएटिव में आपको सब कुछ सामान पहले से मिलेगा, आपको कुछ नहीं ढूंढना, कुछ माइंड नहीं करना, सीधा अपना सामान उठाना है और अपना घर बनाओ, कुछ ही बनाओ। पर वो मेरे को लगता नहीं इतना इंटरेस्टिंग, फ्री आपको क्रिएटिव बना के दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल सकते हैं, मिलते हैं, जो कि आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जरूर। तो आपको क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है, बाकी जो आपकी हार्डनेस वगैरह है उसे नॉर्मल पे रख लेना। पीसफुल कर दोगे तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा, तो उसमें भी इतना मज़ा नहीं है, थोड़ा रहना चाहिए कि मज़ा आना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब आपका गेम चलेगा तो थोड़ा हैंग कर सकता है आपका पीसी, चाहे कितना भी अच्छा पीसी हो थोड़ा बहुत हैंग कर सकता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, सिटी की सिटी पूरी जनरेट हो रही होगी। और मैं आगे ना वीडियो में फ्यूचर में ये बताऊंगा कि सिटी कैसे जनरेट होती है, मतलब किस क्या एल्गोरिथम है सिटी जनरेट होने के पीछे। उससे क्या होगा, आप आराम से ट्रेजर वगैरह फाइंड कर सकते हो, आराम से बायोम्स फाइंड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो ज्वाइनिंग वर्ल्ड का ऑप्शन आ गया है, और ज्वाइन होने से हो जाऊंगा वर्ल्ड के अंदर। पर एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि ना यार, जब आपका गेम ऑन होएगा तो आपकी सिटी जब क्रिएट हो रही होगी, या सिटी कह लो आपका वर्ल्ड जब क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड है ना, मतलब GTA 5 का वर्ल्ड भी भाई बहुत छोटा है, GTA 5 चलो सैन एंड्रियास का वर्ल्ड भी बहुत छोटा है इस गेम के आगे, क्योंकि इस गेम का वर्ल्ड इतना लंबा है कि भाई चलते रहोगे वर्ल्ड ख़त्म नहीं होगा।
तो बहुत बड़ा वर्ल्ड इसके अंदर होता है। तो गाइस तो मैं आप कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं आसपास, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट मूवमेंट का क्या होना चाहिए, नहीं तो यार स्टार्टिंग में अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट कर दोगे। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो यार आपको पता लग जाएगी आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए माइनक्राफ्ट में आओगे, ठीक है। अभी काफ़ी मेरे भाइयों को नहीं पता, मेरे को भी एक टाइम पर नहीं पता था, हमको 6 महीने हो गए हैं खेलते खेलते, हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है माइनक्राफ्ट के बारे में पता लग गई हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता हैं। तो अभी वो क्रिएटिव में जैसे आप ई मसल बताओगे, मतलब आप ई वाला बटन जो आपका कीबोर्ड का ई बटन होता है ई फॉर एलिफेंट, उसे क्लिक करोगे तो आपको सामने सबको दिख जाएगी आपकी इन्वेंट्री, इसमें आपको सब कुछ पहले से मिलता है। और आप डबल स्पेस दबाओगे, स्पेस को 2 बार प्रेस करोगे तो आप उड़ने लगोगे, स्पेस से आप और ऊपर जाते जाओगे और शिफ्ट से नीचे आओगे, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं सिटी को, और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो, क्योंकि ये सारी ऑफ द टॉपिक बातें हो गई हैं, ऑन द टॉपिक आते हैं। तो मल्टीप्लेयर में आपको सीधे जाना है और यहाँ ऐड सर्वर पर क्लिक कर देना है, जो कि आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है। तो ऐड सर्वर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सर्वर का नाम और सर्वर का एड्रेस डाल देना है, सब किसी के साथ भी खेल सकते हो, और मैं आपको अपने सर्वर का एड्रेस भी दे दूंगा, उसके बाद मेरे साथ भी खेल सकते हो। तो कैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटे के आइकन को जरूर दबाना। अगर आपको मेरी इसी तरीके की वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी माइनक्राफ्ट सीरीज जो आने वाली हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे और आप उसे देखना चाहते हो, तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं मेरी इसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।